कैसे हैं आप सब। रूपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वही मीठी बूंदी है जिसे हम अक्सर प्रसाद के लिए यूज़ करते हैं और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ, वो भी एक ट्विस्ट के साथ, और ये इतनी परफेक्ट बनेगी बिल्कुल गोल गोल मोतियों की तरह। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज मैं ये बूंदी सब्जी बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाली करछी से बनाऊंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी बूंदी चिपके नहीं, एकदम खिली खिली बने। एक बार आप इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, हलवाई से भी अच्छी बूंदी आप इजीली घर पर बना पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं मीठी बूंदी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक डीप पैन में लिया है 1.5 कप चीनी, उसी कप से मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। फ्लेम को हाई कर देना है और इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। चाशनी में थोड़ा बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई इलायची, और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। हमें यहाँ पर एक तार वाली चाशनी ही बनानी है। बस जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए उसी टाइम पर आपको फ्लेम को कर देना है ऑफ। तो ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसमें बॉयल भी आ गया है। तो मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इस चाशनी को रख देती हूँ साइड में। तो चलिए अब बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बूंदी बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक बोल में लिया है 2 कप बेसन, जो हम सभी के घरों में होता है। ये रेसिपी इतनी इजी है कि आपको सिर्फ 1 से 2 इंग्रेडिएंट की ही ज़रूरत होती है। अब मैं इस बेसन में ऐड कर रही हूँ 1 छोटे चम्मच से रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। बस ये 2 इंग्रेडिएंट डालने के बाद आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। और पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, एकदम धीरे धीरे डालना है ताकि इस बैटर में गुठलियाँ ना बने और एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो। तो ये देखिए मैं फटाफट इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो आज मैं ये बूंदी बनाने जा रही हूँ, इसी बूंदी से हम लड्डू भी बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें एकदम छोटी छोटी साइज़ की बूंदी तैयार करनी है। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बूंदी के लड्डू की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। तो ये देखिए मैंने इस बैटर को तैयार कर लिया है, और देखने से ये पता चल रहा है कि कितना परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर है। अब लास्ट में ऐड करना है इसमें 2 पिंच मीठा सोडा, ताकि हमारी बूंदी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बने। इसे भी एक बार फेंट लेना है, और अब हमारा बैटर पूरी तरीके से रेडी है। तो चलिए बूंदी बनाते हैं। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। पहले आपको इस ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है, और जब आप इसमें बूंदी डालने लगे तब आपको फ्लेम को कर देना है मीडियम। तो आज मैं ये बूंदी बनाने वाली हूँ इस करछी से, जिसमें होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे छेद, और ये करछी तो सभी के घरों में होती है। अब आपको कुछ इस तरीके से बैटर को डालना है करछी पर, और करछी को रखना है पैन से थोड़ी हाइट पर। आप खुद ही देखिएगा ये बैटर अपने आप इस गैप से गिरने लगेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके आपको बैटर डालते रहना है और करछी को पैन के हर तरफ रोटेट कर देना है। ऐसा करने से बूंदी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, और अपने आप इस छेद से छोटे छोटे बूंदी एकदम गोल गोल निकल के बाहर आएंगे, और देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जब मैंने बैटर को ऑयल में डाला तो वो अपने आप ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगा। इससे ये पता चलता है कि हमारा बैटर कितना परफेक्ट बना था, फ्लेम बिल्कुल ठीक है और बूंदी बहुत शानदार बनेगी। तो हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट काफ़ी है, और एक बार में पैन में उतनी ही बूंदी डालिएगा जितने में वो आपस में चिपके ना। तो ये देखिए हमारी बूंदी फ्राई हो चुकी है, कितनी बढ़िया लग रही है ना, और देखने में ही काफ़ी क्रिस्पी लग रही है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और मैं यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर की बूंदी बनाऊँगी। तो हमारी एक कलर यानी कि येलो कलर की बूंदी तो बन चुकी है, अब मैं बनाऊँगी रेड और ग्रीन कलर की बूंदी। तो इसके लिए मैं बैटर को 2 अलग अलग बोल में सेपरेट कर लेती हूँ,
एक में मैं डालूंगी रेड फूड कलर और दूसरे में डालूंगी ग्रीन फूड कलर। इन दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी और सेम हमें वही प्रोसेस फॉलो करके इन्हें भी तैयार कर लेना है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो येलो कलर के भी बना सकते हैं और चाहे तो फूड कलर डाल के अलग अलग रंग के भी। अब इस मीठी बूंदी को बनाने के साथ साथ मैं आपको नमकीन बूंदी बनाने का भी एक आइडिया दे देती हूँ। उसे बनाने का भी सेम यही प्रोसेस है। बस आप बैटर में अपने मन चाहे मसाले और हल्का सा नमक ऐड कर दीजिए, फिर आपकी एकदम क्रिस्पी और टेस्टी नमकीन बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने भी यहाँ पर चार तरीके की बूंदी तैयार की है। एक है लाइट येल्लो, एक रेड, ग्रीन और डार्क येल्लो। अब फटाफट इन सभी को मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद हम लास्ट स्टेप को देखते हैं। तो चलिए अब लास्ट स्टेप को देख लेते हैं, क्योंकि बूंदी तो हमने फ्राई कर ली है और जो लास्ट स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस बूंदी को डिप करना है चाशनी में जो हमने पहले से ही तैयार करके रखी थी। अगर आपकी चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी बूंदी ली थी जो कि रेड कलर की थी, उसे मैंने चाशनी में डिप किया और डिप करते ही मैंने उसे एक से दो बार मिक्स किया और तुरंत ही निकाल लिया। इस स्टेप में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आपकी बूंदी पूरे मैशी हो जाएगी। तो मैं एक एक करके सारी बूंदियों को चाशनी में डिप कर लेती हूँ और फिर सब एक साथ सर्व करके दिखाती हूँ। तो रेडी है आज की हमारी सुपर टेस्टी एंड इजी बूंदी की रेसिपी। देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो गई। अब आपका जब भी बूंदी खाने का मन करे या फिर प्रसाद के लिए बनाना हो, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से इसे बना सकते हैं। आप चाहे मीठी बूंदी बनाए, नमकीन बूंदी बनाए या फिर बूंदी के लड्डू, ये रेसिपी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। देखने में ही ये कितने कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहे हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, और आपने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। Thanks for watching. Bye bye.